युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव है सबसे छोटी उंगली कौन सी है सहदेव किसका सह किसका सहयोगी है किसका सहयोगी देवता धर्म का सहयोगी नाम पड़ा सहदेव और वो किस धर्म से कनेक्टेड है सिख धर्म वाम मार्गी है या दाई ओर का है वाम मार्गी कहा जाता है जो उल्टे रास्ते में चले जाते हैं व्यभिचारी बन जाते हैं अनेक शादियां करते हैं और दाई ओर वाले वो हैं जो अनेक शादियों में विश्वास नहीं रखते पवित्रता को महत्व देते हैं जो पवित्रता को महत्व देने वाले धर्म है वो है सूर्यवंश चंद्रवंश बौद्धि सन्यासी और सिख ये पांच धर्मों का मुखिया जो होते हैं वो ही क्या कहे जाते हैं भगवान के अच्छे से अच्छे उसूल को फॉलो करने वाले हैं वाम मार्गी नहीं है वाम मार्गी माने अपवित्र और दाई ओर को फॉलो करने वाले पवित्र क्योंकि मुरली में बोला है पति तो बनना है वो तो कायदा है क्या बोला है पति तो बनना है वो तो कायदा है कौन से युग का है दुखधाम का कायदा है या सुखधाम का कायदा है पतित बनना है वो तो कायदा है पतित इंद्रियों से भ्रष्ट बनना परंतु एक ईश्वरीय कायदा भी जुड़ा हुआ है कि द्वापर युग में कलयुग में पतित बनना है भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट बनना है भ्रष्ट बने बिगर सुखी नहीं हो पाते सुख की लब्धि की अनुभूति नहीं होती लेकिन एक के साथ पतित बनना है क्या अनेकों के साथ पतित बनना ये द्वापर कलयुग में भी बेकायदे हैं जो ईश्वरीय कायदा कानून है वो क्या कहता है क्या कहता है पतित बनना है वो तो कायदा है इस मनुष्य सृष्टि का लेकिन ईश्वरीय कायदा क्या कहता है एक के साथ पतित बनना है और एक के साथ पतित बनेंगे इसीलिए गुरु नानक ने नियम पक्का कर दिया एक नारी सदा ब्रह्मचारी ये पवित्रता की पावर है जो कलयुग के अंत में एक धर्म में ही देखी जाती है बाकी हिंदुओं में भी नहीं देखी जाती और भगवान के अंदर क्या चीज है जिसे भगवान अल्लाह मियां कहा जाता है उसमें क्या चीज है जो और आत्माओं में नहीं है क्या विशेषता है जिसके कारण भगवान को एवर प्योर कहा जाता है, है? सदा शिव कहा जाता है पवित्रता दुनिया के सारे काम जितने भी हैं वो कौन सी ताकत से होते हैं पवित्रता की पावर से होते हैं वो पवित्रता की पावर
कलयुग के अंत में भी सिख धर्म में देखी जाती है। अगर वो भी न रही होती तो इन क्रिश्चियंस से मुक्ति भारतवासियों को नहीं मिलती। मिल जाती? नहीं मिलती। इसलिए जो सिख धर्म है वो भगवान से क्या विशेष चीज की प्राप्ति करता है? है? अरे अभी अभी तो बताई है, असली पवित्रता क्या है कलयुग में वो प्राप्ति करता है। जरूर उस धर्म में कोई आत्मा है और ऐसी बीज रूप आत्मा है जो असली पवित्र आत्मा है। असली पवित्र आत्मा कही जाती है और आत्मा कहा जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि से असली रूप में पवित्र है वो कौन है? हाँ, कमल का फूल। किस बात का परिचायक है? जो विष्णु के बाएं हाथ में बल नीचे का हाथ है। क्या? शंख चक्र गदा पद्म नीचे वाले हाथ में दिखाई जाती है। कैसी प्योरिटी? कीचड़ में रहता है। घर गृहस्थ क्या है? है? घर गृहस्थ आज की दुनिया का कीचड़ ही है। लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि से पवित्र है। एक की लगन लगी हुई है। तो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। देवताओं जैसी पवित्र है या मनुष्यों के बीच में पवित्र है? है? मनुष्यों के बीच में पवित्र है। जो देवात्माएं हैं असल, उनके लिए क्या बोला है? क्या बोला है? देवता धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। प्रायः लोप होने का मतलब यह है कि भले वो परिवार कहीं देखने में नहीं आते हैं अक्सर करके, फिर भी इस भारत में ऐसे ऐसे परिवार होते हैं कि एक ही परिवार में 60-70 मनुष्य भी, 60-70 की संख्या भी एक चूल्हे का बना हुआ खाना खाती है, एक के कंट्रोल में रहती है। एक जिस पार्टी को वोट देगा पूरा का पूरा परिवार उसी पार्टी को वोट देगा। ऐसी पावर होती है। तो प्रायः लोप तो है लेकिन वो प्रायः लोप होने वाले पूजा किसकी करते हैं? मोस्टली ऐसे तो कलयुग के अंत में भक्ति कैसी हो जाती है? हैं? तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। लेकिन व्यभिचारी भक्ति में भी गहराई से देखा जाए तो ज्यादा पूजा किसकी देखी जाती है? जो व्यभिचारी भक्त होते हैं वो भी कौन से स्वरूप की पूजा को ज्यादा महत्व देते हैं? है? शिव की भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि प्रवृत्ति
मार्ग की पूजा है शिव के मंदिर में। पुरुष रूप लिंग भी रखा हुआ है और माता का रूप योनि भी रखी हुई है, वो दोनों का मेल दिखाया गया है। परंतु बिचारी ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें प्योरिटी की बात क्या है। क्या है प्योरिटी की बात? कि जो लिंग है वो भगवान का रूप है, साकार रूप है या निराकार रूप है? साकार रूप है। जिस साकार में वो प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो मुकर्रर रूप साकार रूप जब ऐसी लिंग रूप स्टेज पकड़ता है जिसमें नाक आंख कान मुख कोई इंद्रियां नहीं है, सिर्फ एक ही इंद्रिय है। क्या? सारे संसार को आंखों को कौन सा इंद्रिय दिखाई पड़ती है उसमें? है सिर्फ लिंग रूप ही दिखाई पड़ता है और बाकी इंद्रियां दिखाई ही नहीं पड़ती। क्यों? जिसके कारण का है बिनु पग चले, सुने बिनु काना है। ऐसा कोई हो सकता है कि बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो? आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है, मुख माने आनन, सब प्रकार के रसों का भोग भी करता है। उसको भोग लगाया जाता है कि नहीं? बाकी बाकी की चीजों का, आक धतूरे का भी भोग लगाया जाता है कि नहीं? वो भी सकल रस है, सब प्रकार के रसों का भोग करता है। बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। उसको बाणी भी नहीं, जीव है ही नहीं, परंतु वो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है और योगी भी बहुत बड़ा है। योग का कनेक्शन कौन सी इंद्रिय से विशेष दिया जाता है? है मन से? मन तो दिखाई ही नहीं पड़ता, तो सही साबूती कैसे होगी? आंखों से? अगर आंखों से होता तो दृष्टि जीते जगत जीत होता, परंतु ऐसे तो नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? काम जीते जगत जीत। और ये काम विकार है, इसका कनेक्शन कौन सी इंद्रिय से है? काम इंद्रिय से। काम इंद्रियों को जिसने जीता वो सारे जगत को जीत सकता है। ये जीतने की बात और हारने की बात सुप्रीम सोल के लिए लागू होती है, अल्लाह के लिए लागू होती है जो मियां कहा जाता है। मुसलमानों में अल्लाह को मियां क्यों कहते हैं? है सबसे बड़े से बड़ा मियां कौन? अल्लाह मियां क्यों कहते हैं? हिंदुओं में क्या कहते हैं? पति परम ईश्वर है, पतियों का भी पति, जिसका कोई पति होता ही नहीं। तो वो ऊंची से ऊंची स्टेज वाला स्वयं नहीं है हारने वाला या जीतने वाला, इंद्रियों से किसको बनाता है? है
जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, प्रवेश तो बहुतों में करता है, खास करके चार पांच में तो करता ही करता है, इसलिए चार पांच ब्रह्मा मुख दिखाए गए हैं। लेकिन 108 मण के भी है, रुद्राक्ष मण के। ये रुद्र की आंख, रुद्र अक्ष कहे जाते हैं, उनमें भी वो प्रवेश करके सेवा करता है, परंतु मुकर्रर रूप से नहीं, टेम्परेरी रूप में। परंतु टेम्परेरी वो नंबर वार हैं, कितने हैं? 108 कहे जाते हैं। उन टेम्परेरी में भी सबसे मुख्य कौन? अरे ब्रह्मा। तो वो सब निराकारी स्टेज वाले हैं, नंबर वार निराकारी स्टेज पकड़ते हैं, लेकिन उन 108 में से एक ही है जो मुकर्रर है। क्यों? किस लिए मुकर्रर? एक ही क्यों मुकर्रर, कोई दूसरा क्यों नहीं है? कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है क्या कारण? भगवान एक है। अरे भगवान ऊपर वाला होता है या मनुष्य होता है? हैं? कौन? बड़ा बच्चा भगवान होता है? ये कोई बात हुई? मनुष्य भगवान होता है? जो बड़ा बच्चा है वो मनुष्यों का बाप है या देवता है? भगवान है, मनुष्यों का बाप है। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन चलाए, मन जिसका होता हो। देवताएं का मन तो चलायमान नहीं, बिंदी और कुछ याद रहता ही नहीं। और भगवान, भगवान तो सदा शिव, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में शिव एकाग्र है बिंदु रूप में, द्वापर कलयुग में भी बिंदु रूप और संगम में भी बिंदु रूप, वो तो सदा शिव है। तो जो सदा शिव है वो सदाशिव हार जीत की बात उसके लिए लागू नहीं होती। किसके लिए होती है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हारता भी है माया से और जीतता भी है। सदा काल के लिए जीतता है या अल्पकाल के लिए जीतता है? है? हाँ, जब जीत जाता है तो संगम युग में सदा काल के लिए उसकी जीत है। और जब तक पुरुषार्थी है तब तक, पुरुषार्थी है तो सदा काल है या अल्पकाल की जीत है? अल्पकाल की जीत है। जो सदा काल की जीत पाता है वो फिर बाप समान बन जाता है। हाँ, तो वो नहीं बताया कि ये कारण क्या है कि वो ही मुकर्रर है। वो ही क्यों पाता है? है वो बीज है, मनन चिंतन मंथन। और दूसरे भी मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अपने अनेक जन्मों को कैसे पहचानते हैं? दूसरी आत्माएं मनन चिंतन मंथन करती है तभी तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेगी। अगर कोई पार्टधारी अपने पार्ट को ही नहीं जानता हो
तो बाबा उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ। उतरो रंगमंच पर फंसे, तुम बेवकूफ एक्टर हो, जाओ जानवरों के बीच में जाके जन्म लो। परंतु मनुष्य तो मनुष्य है, जानवर तो नहीं है, तो बेवकूफ तो नहीं है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने थोड़े जन्म है चाहे ज्यादा जन्म है, अपने पार्ट को पहचान लेती है, तब कहा जाता है उनको आत्मज्ञान हुआ, अपने पार्ट का ज्ञान हुआ। बेवकूफ नहीं है, मनुष्य है। इसलिए जो मनुष्यों में बीज है वो मानवीय सृष्टि का बीज मुकर्रर इसलिए है कि सबको माया हप करती है। बाप की पहचान होने के बाद भी हप करती है, लेकिन एक है जिसे जब बाप की पहचान हो जाती है तो उसे माया हप नहीं कर पाती, उसकी बुद्धि औरों में नहीं भागेगी। बाकी 500 करोड़ की सांप की बुद्धि एक बाप से हटती है तो दूसरों को पकड़ लेती है, बुद्धि भागती है। तो सब नंबर वार भक्त हुए या बाप के बच्चे हुए है? नंबर वार ज्ञानी है, नंबर वार भक्त है। नंबर वार ज्ञानी है तो जिस नंबर के ज्ञानी है उसी नंबर के योगी है, और उसी नंबर से योग बल के आधार पर बाप से विश्व की बादशाही भी प्राप्त करते हैं। एक है जिसके लिए गाया हुआ है देव देव महादेव। देवताओं के बीच में एक है महादेव, भक्ति मार्ग में उस एक को ही विश्व का नाथ घोषित किया गया है, बाकी कोई भी विश्व के नाथ नहीं हो सकते, सारे विश्व के नाथ नहीं हो सकते। इसलिए सारे विश्व को नाथने वाले भी नहीं हो सकते, नकेल डालने वाले भी नहीं हो सकते। नाथ माने नकेल डाल देते हैं, स्त्रियों को क्या करते हैं है? नाक में वो डाल देते हैं, वो भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, नाक में नकेल डाल के भगवान बन के बैठते हैं। तो एक है जो सारी सृष्टि को एक के स्नेह के सूत्र में बांधता है, हिंसा से या अहिंसा से, कौन सी शक्ति से? अहिंसा की शक्ति से। ओम शांति। जो संस्कृत की गीता है, जो सबसे पुराना ग्रंथ है, पुराना शास्त्र है, उसका अर्थ विकृत कर दिया है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली सुनाई गई वो है गीता ज्ञान असली, और ब्रह्मा कुमारियों ने उस ज्ञान को विकृत कर दिया, या ज्यों का त्यों सुना रही है, विकृत कर दिया, तो उसका अर्थ ही बदल गया।
लोगों को उसका सही अर्थ नहीं मालूम है। सही अर्थ भगवान आके बताता है। जैसे पहला ही श्लोक है, क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वो समझते हैं कि द्वापर युग में जो धर्म था दुनिया में, बस उसी का क्षेत्र था, उसी का धर्म युद्ध था। लेकिन अनेक धर्म इकट्ठे होंगे तब आपस में युद्ध होगा, या एक दो धर्म होंगे तो युद्ध होगा? तो कब होते हैं? है, कलयुग के अंत में होते हैं। तो ये है अभी कलयुग के अंत में धर्म क्षेत्र, दुनिया भर के धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्धी धर्म, वो हो गए सब मिला के धर्म क्षेत्र, धर्म का युद्ध क्षेत्र। वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा। तो अच्छा कौन सा है? इसका युद्ध हो गया, और उस धर्म के युद्ध के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने अपने धर्म के आधार पर अलग अलग कर्मकांड बनाए हुए। जैसे हिंदुओं ने कर्मकांड बनाया कि आदमी शरीर छोड़ दे तो उसके शरीर को जलाओ। मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने क्या बनाया? है, जब शरीर छोड़े तो क्या करो? जमीन में गड्ढा खोड़ के गाड़ दो। ये बनाया। अब दोनों में कौन सच्चा कौन झूठा, या दोनों झूठे या दोनों सच्चे, ये कैसे पता चले? तो भगवान ही आकर के बताता है कि शरीर तो जड़ हो जाता है आत्मा निकलने के बाद। वो जड़ शरीर को नहीं गाड़ोगे, नहीं जलाओगे तो भी खत्म होगा या नहीं होगा? तो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जड़ शरीर की तो बात ही नहीं है, ये इस समय की बात है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और सारी दुनिया की महामौत सामने खड़ी है। तो जो जो देह अभिमान से मरते हैं, और मरने से पहले उन्होंने अपने देह अभिमान को जला के खाक कर दिया, उनकी परंपरा हिंदुओं में चल रही है। क्या? स्थूल परंपरा चलती है कि जलाते हैं, खाक कर देते हैं। और जो अपने देहभान को नहीं जला पाते, क्योंकि भगवान को पूरा पहचानते नहीं, तो याद पक्की होती नहीं। याद पक्की न होने के कारण देह अभिमान पूरा जलता नहीं, देह अभिमान रह जाता है। देह अभिमान में भी खास कौन सा विकार रह जाता है? है, अरे देह अभिमान में से कौन कौन से विकार पैदा होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनमें मुख्य विकार काम विकार सभी में रह जाते हैं। तो जो काम विकार है वो जिंदगी भर गड्ढे में गिराता रहा, तो अंत समय भी वो उनके शरीर को क्या करते हैं? गड्ढे में डाल देते हैं, देह अभिमान की मिट्टी से दबा देते हैं। ये परंपरा चलती है। भक्ति मार्ग में सब उल्टम पलटम चल रहा है। असली बात भगवान आकर के बताते हैं, तो अर्थ बदल गया ना।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, धर्म के क्षेत्र में कर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों के एक ही जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। वो कहते हैं हमारा कर्मकांड अच्छा हम नहीं छोड़ेंगे, वो कहते हैं हमारा कर्मकांड अच्छा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते अगर कोई दखलंदाजी दे। ऐसा युद्ध सामने खड़ा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े बड़े धर्म नेता हैं, अब कर्मकांड करने वाले किस लिए? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखें कौन जीतता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। भगवान ही आकर के फैसला कर देता है सच्चा ज्ञान सुनाकर। बाबा बीज रूप स्टेज की विधि क्या है? अरे 9 दिन चले 2.5 कोस। अरे शरीर रूपी वृक्ष का बीज क्या है? आत्मा का रूप क्या है? बिंदु ज्योति का कहाँ है? नाक के ऊपर के कान के ऊपर, वृक्ष के मध्य में। तो वो बीज रूप स्टेज को याद करो, स्टार को याद करो, वो बीज रूप स्टेज है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस ही विधि है, याद करने की प्रैक्टिस। 2018 तक संगमयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगी क्या? बाप की प्रत्यक्षता हुई कि नहीं नंबरवार बच्चों के सामने? है हुई? तो बाप पहले प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, और बच्चा बाद में जन्म लेता है। ब्राह्मणों के जन्म 2 प्रकार के माने जाते हैं, क्या? एक स्थूल जन्म और दूसरा यज्ञोपवीत ज्ञान का जन्म। तो 98 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म जेल में हो गया, फिर यज्ञोपवीत कितने साल के बाद होता है? 18 साल के बाद होता है। तो जोड़ दो 18 साल, वो टाइम आ गया, 18 साल पूरे हुए, और वो 3 सूत्रों को धारण कर लेता है। कौन कौन से 3 सूत्र? ब्रह्मा कौन? ज्ञान हो जाए। विष्णु का प्रैक्टिकल पार्ट कौन? ज्ञान हो जाए। शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट कौन? ज्ञान हो जाए। ये 3 सूत्र बुद्धि रूपी धरणी में समा गए, माने पक्का ब्राह्मण हो गया। उन 3 सूत्रों को कंधे पर धारण कर लिया, माने जिम्मेवारी का बीड़ा उठा लिया कि हम ब्राह्मणों का काम है क्या? ब्राह्मणों का काम क्या है? हैं? ज्ञान माने क्या? बाप की पहचान देना और संसार में नई दुनिया की स्थापना करना। तो काम शुरू करते हैं।
लेकिन बाबा 2018 में ही क्यों ऐसा बताते हैं कि अभी भी बच्चे जानते हैं कि विष्णु का पाठ भारी जरूरी है। 2018 में ही क्यों, अभी भी तो जानते हैं छोटी मम्मी पाठ धारी। छोटी मम्मी क्या है? वही विष्णु का पाठ धारी, वही शिव का पाठ धारी, विष्णु का पाठ धारी। भक्ति मार्ग में विष्णु पुरुष को दिखाते हैं या स्त्री को दिखाते हैं? अरे दूसरे माने या न माने, पहले तुम्हारी बुद्धि में तो बैठे, नहीं बैठता है तो शिकायत करते हो, ये तो मानते ही नहीं। जिसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा, कोई माने या न माने, वो तो अडिग रहेगा। और वैसे बाबा आश्चर्य भी भक्ति मार्ग में पुरुष ही है ना। हाँ तो सेकंड मन का इधर ज्ञान मार्ग में स्त्री हो। अरे रुद्रमाला के मन के सब पुरुष हैं या स्त्री है? नहीं बाबा, प्रैक्टिकली दिखाना होता तो पुरुष ही होना। प्रैक्टिकली दिखाना हो तो क्या हुआ? प्रैक्टिकली दिखाना तो स्वभाव संस्कार को ज्ञान में देखा जाएगा कि देह को देखा जाए, देह को चमार देखते हैं या ब्राह्मण देखते हैं? बाबा हद और बेहद दोनों मिलन होना चाहिए। हद और बेहद दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों में साबित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोनों में साबित? ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान जो है उसका विस्तार बेहद में है या हद में है? जैसे बाबा सुप्रीम सोल भारत में आता है तो बेहद का भारत भी मिल गया और हद का भारत में दोनों में जो हो रहा है ना। हद का भारत, हद का भारत, बेहद का भारत क्या? तो हद का भारत मतलब इंडिया में ही आया, तो ऐसे बेहद का भारत मतलब प्रजापिता के अंदर सुप्रीम सोल आया। हद दोनों बात लागू हुआ। हद की बात तो हद के लोग की बुद्धि में बैठती है, दोनों बात। बेहद की बात बेहद की बुद्धि में बैठती है। बेहद कौन है? जिनकी बुद्धि बेहद में रहे वो बेहद है, या जिनकी बुद्धि जड़त्व में रहे वो बेहद? जैसे कहते हैं भारतवर्ष, भारत माता, तो जिनकी बुद्धि हद में है वो भारत माता से क्या समझते हैं? जड़त्व में ही भारत माता या चैतन्य माता? तो हम हद में क्यों जाएं? हद में तो थे ही 63 जन्म, अब कहाँ जाना है? है बेहद में जाना है, बेहद में रहना है। बाबा यज्ञ आदि में सेवाक्रम की जो पत्नी थी है, दादा लेखराज की बहन थी, सेवाक्राम की जो पत्नी थी वो बड़ी थी, सेवाक्राम की पत्नी। हाँ वो छोटी वाली पत्नी के दादा लेखराज की बहन थी, बड़ी वाली पत्नी दादा लेखराज की। दादा लेखराज की दो माताएं थी ना बाबा, उनमें कौन सी? दो माताओं में से कौन? हाँ दादा लेखराज की बहन कौन सी, बड़ी वाली थी कि छोटी? जो बोल बोल करने वाली है, बड़ बोली है, वो प्रजापिता की नजदीक होगी, या कम बोलने वाली और समझने वाली ज्यादा वो नजदीक होगी? कौन नजदीक होगी? है कम बोलने वाली होगी, कम बोलने वाली दादा लेखराज की बहन। बिल्कुल, जो विष्णु का पार्ट होगा तो विष्णु का पार्ट आदि में था, सृष्टि के आदि में नहीं था? अरे जब नई सृष्टि शुरुआत हुई तो विष्णु था या नहीं था? अरे था, तो अंत में, अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप ही होगा या नहीं होगा? है संस्कार मिले हुए होंगे या नहीं मिले हुए होंगे? संस्कार मिले हुए होंगे। बाबा जो सेवाग्राम की माँ वो पहली वाली थी, बोल बोल करने वाली थी। पहली दूसरी क्या? नहीं बड़ी थी क्या, बड़ी जो बड़ी माता थी वो थी क्या? घर में कोई भी परिवार में दादी अम्मा काकी अम्मा ज्यादा के आती है या छोटी अम्मा ज्यादा के आती है? है दादी अम्मा ज्यादा के आती है, तो समझ लो ये परंपरा कहाँ से चल रही है? हैं संगम से चल रही है। और बाबा जैसे सेवाग्राम बंगाली थी, सेवाग्राम
और ब्रह्मा बाबा मतलब सिंधी थे, मतलब उनकी बहन, मतलब कुछ पहले भी मतलब ऐसा संबंध जो ब्रह्मा बाबा मतलब सिंधी थे, मतलब उनकी बहन उनको दी, मतलब तो ऐसा अंतर जाती उसमें भी चलता था क्या? अंतर जाती है ये, अंतर देशी है कि अंतर जाती है? वाह भाई। और ज्ञान में चलते, ज्ञान सुनते, धारणा भी होती, ज्ञान का सब कुछ पता होते हुए भी युगलों के बीच में टकराव होता है, इसकी शूटिंग क्या होती है? अरे सृष्टि के आदि में बेहद का युगल कौन था? है प्रजापिता जगदम्बा और बाकी सब है, बाकी सब शिव बाबा के युगल थे या नहीं थे? अरे बोलो ना धीरे से, क्यों बोल रहे हैं? थे और हैं। फिर धीरे धीरे बाद में सतो प्रधान से रजो तमो की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? जाते हैं तो अब जा रहे हैं, चले गए हैं, शूटिंग हो रही है, इसमें नई बात क्या है? और बाबा जो संगम की गाथा, संगम की जो नरसिंह नारायण नारी सरस्वती बनने वाले हैं, उनके यहाँ जो राधा कृष्ण जन्म लेंगे 36 में, तो उसके बाद में सभी छोड़ के चले जाएंगे। कौन? सभी जो भी हैं, जो शरीर मनुष्यधारी हैं, सब कीड़े पर। कौन जन्म लेंगे? जो सतयुग की राधा कृष्ण है वो सतयुग में जन्म लेंगे कि संगम में जन्म लेंगे? अरे रुको, तो मामला फंसी हो चक्कर। हाँ 36 में लेंगे ना जन्म, सतयुग में जन्म लेंगे ना? हाँ सतयुग। और सतयुग से पहले सब कुछ विनाश होगा या नहीं होगा? हाँ अब बताओ। उसके बाद में जैसे जन्म लेंगे तो 18 के बाद उनकी राजाई होगी। फिर वही 18 आ गया, 18 में संगम होगा या सतयुग होगा? 18 वर्ष की उम्र के बाद सतयुग में। हाँ सतयुग में 18 साल की उम्र के बाद हाँ क्या होगा? उनका राज्य होगा फिर नारायण जो। ठीक है। हाँ तो नारायण का राज्य गायब हुआ सतयुग में। हाँ हाँ बाप का ही राज्य चलेगा, तो उनका बाद में चलेगा फिर। किसका? राधा कृष्ण का, सतयुग की राधा कृष्ण का। उनको टाइटल नहीं मिलेगा नारायण का? केवल टाइटल ही मिलेगा, राज नहीं चलेगा। अरे बाद वालों को टाइटल ही मिलता है या वो वास्तव में होते हैं? किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, किंग एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड, ये टाइटल है ना, तो टाइटल तो जो पहला होता है उसी का टाइटल चलता है। और बाबा एडवांस किया में चलते हुए बच्चे बहुत सी बाधा के बच्चे हैं और बहुत श्रीमंत पर चलते हैं और वो सभी शोर से जा रहे हैं, लक्ष्मी लिया हुआ है कि वो बाधा के बच्चे हैं जो श्रीमंत पर चलते हैं और वो सभी शोर से जा रहे हैं, जब भी लक्ष्य लिया एक नटनार बन रहा है तो फिर सभी शोर से जा रहा है। भाव कह रहे हैं कि एडवांस पार्टी में बहुत से बच्चे हैं जो जन्म लिया है और जन्म लेते हैं वो शरीर छोड़ते जाते हैं। हाँ? और सेवाधारी भी बहुत करते, सेवा भी बहुत करते हैं। हाँ? बस शरीर छोड़ते जा रहे हैं। हाँ? तो उसका कारण क्या है पूछा? उसका कारण पूर्व जन्म का हिसाब किताब। यहाँ इस शरीर से जिनके साथ हिसाब किताब था वो पूरा किया, अब आगे जन्म लेंगे फिर एडवांस में आएंगे, फिर तीखा पुरुषार्थ करेंगे। मान लो कोई बुड्ढे है, ज्ञान में भी तीखे हैं, सेवा में भी तीखे हैं, प्योरिटी में भी अच्छे हैं, और कारण बीमार पड़ गए, शरीर छूट गया, तो क्या आगे चल के अच्छा सेवा नहीं करेंगे? और ही अच्छा सेवा करेंगे। लेकिन वो जन्म लेंगे दूसरा। हाँ जन्म लेके करेंगे तो उम्र तो छोटी होगी ना? दो चार साल के लिए छोटी होगी कि हमेशा के लिए छोटी होगी? और आजकल तो 3 साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, दुनिया चला रहे हैं,
सो बाबा एक होटल जो आ रहा है जवाब के दासी का ज्ञान है आप ही का पूर्व जन्म का कोई बाल बच्चा होगा बाबा संगम की नई दुनिया की सफाई इकाई संगम की नई दुनिया की इकाई किन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगी जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे अव्वल नंबर के उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष होगी फिर द्वयम नंबर के सामने प्रत्यक्ष होगी फिर नंबर बार होगी और बाबा जो एडवांस में बच्चे हैं जो कि माने अचानक मौत हो जाती है इनकी तो वो क्या सूक्ष्म खरीद लेंगे हैं सूक्ष्म खरीद लेंगे क्या क्यों नहीं लेंगे ज्ञान लिया है तो उनका ज्ञान बेकार चला जाएगा नहीं वो तो इमर्ज हो जाएगा लेकिन वो क्या सूक्ष्म शरीर के बंधन में सूक्ष्म शरीर के बंधन में बनेंगे क्या सूक्ष्म शरीर के बंधन में वो बनते हैं जिनकी अकाले मौत होती है एडवांस में कोई एडवांस का कोई बच्चा है उसकी अकाले मौत हो जाती है तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहना पड़ेगा और बाबा यादें बैठते हैं याद नहीं आती है भूल जाते हैं हाँ तो फिर याद करो याद करके ऐसे माया खेल लेती है तो फिर भूल जाती है हाँ 63 जन्म एक ही बार कर्म करके छोड़ दिया कि बार बार किए थे हैं कर्म बार बार किए हैं कि एक ही बार करके छोड़ दिए बार बार किए हैं तो बार बार याद करनी पड़ेगी बाबा हाँ किसी को संदेश देते हैं तो बाबा वो बोलते नहीं है तो उनको संदेश दें कि नहीं दें वो कान हिलाते हैं तो संदेश दो टकराव हुआ था ना उनसे हाँ बोलते नहीं है और टकराव क्यों करते हो ज्ञान टकराव करने के लिए गृहस्थी में लड़ाई हो जाती है क्यों हो जाती है वो कोई ज्ञान है तो उनको संदेश दें कि नहीं वापस उसको ज्ञान ही कहेंगे जो ज्ञान देते देते टकराव करने लगे आए थे बाबा वो कर दिया था एक महीना क्लास भी करी थी उसके बाद में छोड़ दिया हमारी घड़ी तो नहीं गलत क्या टाइम हो रहा है 5 हो गए ओम शांति है।